कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, स्वागत है आपका मेरी रसोई यानी सिवान की रसोई में। सो मैं आपके लिए एक लाई हूँ एक स्वीट सी रेसिपी जिसका नाम है सूजी की बर्फ़ी। तो चलिए सूजी की बर्फ़ी बनाते हैं। उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे हुए हैं, सो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए ना आपको बिल्कुल कम से कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो घर में बचे हुए कुछ चीज़ों से ही हम इसको अच्छी सी एक मिठाई बना सकते हैं। तो जब भी आपका कुछ खाने का मन करे मीठा मीठा और घर में सामान हो कम, फिर भी आप एक बेहतरीन स्वादिष्ट सूजी की बर्फी रेडी कर सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे। तो ये देखिए, मैंने उसके लिए मैंने गिनेस लिया है, जिसको सूजी लिए है एक कटोरी, कोकोनट पाउडर लिया है, बादाम लिया है, ये मैंने सजाने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की जगह चेरी ले लिया है, स्वाद के लिए थोड़ा सा इलायची ले लिया है, और ये थोड़ा सा क्रीमनेस बना रहे इसलिए मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा मलाई, ये जो मैंने घर में निकाली है गाय की एकदम हेल्दी हेल्दी। और मैंने इसको मेल्ट करने के लिए लिया है एक कप दूध, ये पूरी गाढ़ी मलाई वाली दूध है जिससे आपकी बर्फी में ना एक बढ़िया सी रिचनेस आएगी। तो चलिए रेडी करते हैं। तो मैंने एक बर्तन को चढ़ाया है, इसमें डाला है देसी घी जो कि मैंने घर से मलाई से निकाली है। मलाई कहाँ से निकली? मलाई निकली घी से, ये तो एक्चुअली वाली बात है। ठीक है, तो आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी मलाई डाली है। सो चलिए, मलाई जब तक ये गर्म होती है ना, इसको चेक करने के लिए ना हम इसमें डालेंगे इलायची दाना। ये अच्छे से गर्म हुई है या नहीं ये देखिए, ये अच्छे से चटकने लगी। जब ये अच्छे से चटक जाए ना, तब हम इसमें डालेंगे ये सूजी। या ध्यान रखें, जब भी आप सूजी का हलवा बनाएं ना, तो पहले सूजी को अच्छे से ना छन्नी से चाल लें, ताकि इसमें जो छोटे छोटे गांठे पड़ी रहती है ना, वो निकल जाएगी। वरना अगर आप बिना चाले बनाएंगे ना, तो ये अच्छी नहीं बनेगी और इसमें गुठलियाँ बन जाएगी। सो मैं आपको दो तरह की सूजी की बर्फी दिखाऊँगी, एक मैं फूड कलर डालूँगी और एक नेचुरल बनाऊँगी। सो ये मैं नेचुरल कलर वाली बना रही हूँ। आपको इसे भूंजना है 2 से 3 मिनट, या क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप भूंजेंगे ना, तो ये जल जाएगा और इसका स्वाद बड़ा ही बेकार हो जाएगा। सो इसे उतना ही भूंजिए जितना इसकी ज़रूरत हो। सो इसको हल्का सा स्किन कलर में, ब्राउन कलर को भूनना है। चलिए इसको 2 मिनट तक हम अच्छे से भूंज लेते हैं, जब तक इसका एक सुनहरा सा कलर ना आ जाए तब तक। सो देखिए, हमने 2 मिनट तक सूजी को अच्छे से भून लिया है, एक अच्छा सा कलर, एक बहुत ही स्वादिष्ट सी सुगंध आ रही है इसमें से, काफ़ी यमी बना होगा ना, ये बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। चलिए अब हम इसमें डालेंगे मिल्क, जो कि मैंने लिया है 250 ग्राम। मिल्क को कर दिया मैंने ऐड। तो जब तक सूजी ये मिल्क को सॉफ्ट करता है, जब तक हमें थोड़ा तो वेट करना ही होगा ना। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये दूध में सूजी। सो मैंने उसको अभी एक नेचुरल कलर दिया है जो कि इसका है, या आप चाहे तो उसको अपने मनपसंद फूड कलर भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, टेस्ट इसका वही रहेगा, बहुत ही अच्छा एकदम लाजवाब। सो देखिए, इसको गैस को फ्लेम को हम तेज कर देते हैं, ताकि ये जल्दी 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 सोख ले अच्छे से, और ये अच्छे से फूल जाए। सूजी बहुत ज़्यादा फूलता है, तो अगर ये आपका दूध अब्सॉर्ब कर लिया, तो आप इसको थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी दूध को ख़त्म कर रहा था। ये देखिए, जब तक वो अच्छे से फूल ना जाए ना, तो इसको अच्छे से चलाना है, ध्यान रखे इसको चलाते रहना, ताकि इसमें गांठे ना पड़े नीचे, जले नहीं इसके तले पे। सो सी आप इसको से चलाते रहिए जब तक अच्छा सा एकदम ठीक ठीक ना हो जाए। और मेन इन्ग्रीडियंट है मेरा ये मलाई, जो कि इसमें बढ़िया सी रिचनेस आएगा, क्या स्वाद लगेगी। सो अब ये जो ट्राई करना, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते, बट मैं बता रही हूँ आपको, आप एक बार मलाई डाल के बना के देखो, इसकी जो रिचनेस है ना, दुगनी हो जाएगी, दुगनी। सो ये देखिए ये कैसे ठीक हो रहा। सो अब हम इसमें मेन चीज़ ये यूज करेंगे जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये स्वीट है, तो स्वीट डालना हम कैसे भूल सकते हैं। सो ये देखिए, जिस कप से आपने सूजी नापी थी ना, उसी कप से हाफ कटोरी आप नाप सकते हो, मतलब आधा से आधा आप डाल सकते हो, या फिर अगर चम्मच से बताई जाए तो बड़ी बड़ी 5 टेबल स्पून आप इसमें शक्कर डाल दीजिए, फिर आपको अगर फिर ये आपके स्वाद पर पड़ती है,
अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो 6 से 7 टेबल स्पून डाल सकते हैं, पर इतना मीठा अच्छा नहीं होगा, सो मेरे हिसाब से 5 टेबल स्पून काफ़ी होगा। ये देखिए ये चाशनी अच्छे से घुल रही है, सो नाइस ऑफ कलर, बहुत ही अच्छा कलर आया। ठीक होने तक हम इसको हल्का 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 नचाएंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से सीज जाए, सूजी पूरी तरह से फूल जाए। देखिए सूजी जैसे फूल रही है, ये साइड से देख सकते हो आप, ये ऑलमोस्ट रेडी ही है। सो देखिए इसमें अच्छे से ये थिकनेस आ गई है, मैंने जो शुगर डाला था ना वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसे चारों तरफ से चेक कर लेते हैं हो गया, क्योंकि बर्फी बनाने के लिए इसे थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। सो अब इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में। सो देखिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इसको एक अच्छा सा हम डिजाइन और डेकोरेशन करते हैं। तो इसको उसके लिए हम करना पड़ेगा कट बर्फी की डिजाइन में। सो देखिए फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से एक बर्फी की शेप में कर दिया है कट, अब इसको हम डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा नारियल पाउडर, सो आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ना सबको ना डेकोरेट कर देंगे। सो देखिए मैंने सब पे कर लिया है हल्के हल्के से डेकोरेशन, या ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैंने हल्का सा इसलिए डाला है ताकि ये ना लगे कि ये नारियल की बर्फ़ी है, ये तो सूजी की बर्फ़ी है ना, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए लगा दिया। तो हम इसमें कुछ और चीज़ें लगाएंगे, जैसे कि इसमें हम डालेंगे चेरी। सो ये देखिए इसमें हम यहाँ पे चेरी को लगाएंगे, और लगाएंगे एक तरफ बादाम। सो क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना चेरी और बादाम का। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको बहुत अच्छा लगता हो। आई नो बादाम तो सबको बहुत पसंद होता है ना, क्योंकि ये सेहत और माइंड दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, सो आप यही लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। सो देखिए ऐसे करके ना मैं सबको ऐसे सजा देती हूँ। सो देखिए रेडी है हमारी ये सूजी की एकदम खूबसूरत दिखने वाली ये बर्फी। ये दिखने में ही नहीं खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, ये गारंटी है मेरी। सो प्लीज़ आप मेरी तरह से इसको ट्राई करके देखें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गाइस आई एम न्यू यूट्यूब पर, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू, मैं शिवानी अभी लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगी अगली रेसिपी पर।